हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरीके से हम लोग पेज नंबर्स को ऐड करते हैं या फिर हम लोग पेज नंबर्स को एडिट करते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल के तौर पे एक फाइल है जिसमें कि हमारे पास दो पेज है, लेकिन कहीं पे भी यहाँ पे पेज नंबर नहीं है। तो सबसे पहले सीखते हैं कि पेज नंबर कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे इंसर्ट करते हैं। तो इसे करने के लिए सबसे पहले आपने किसी भी पेज में आना है और क्लिक करना है इंसर्ट पे। इसके बाद हम लोग इस हेडर एंड फुटर ग्रुप में देखेंगे, ऑप्शन है हमारा पेज नंबर्स। जैसे उसमें क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आएगा कि आपने पेज नंबर्स को कहाँ सेट करना है, टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज, पेज मार्जिन या करेंट पोजीशन। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे रखूँगा टॉप ऑफ द पेज में एक्सेंट बार 1। ठीक है, क्लिक करूँगा मैं इसमें और ये पेज नंबर ऐड हो गया। डबल क्लिक करेंगे आउट ऑफ दिस बॉक्स में तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेज 1, ठीक है, इस तरीके से ऐड हो चुका है और यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये पेज 2 सेट हो गया। अब मान लीजिए आपको एडिट करना हो तो कैसे करेंगे। मान लीजिए आपका ये जो पेज है ये है 0 पेज। ठीक है, तो एडिट करने के लिए कुछ कुछ नहीं, आपने इसमें क्लिक करना है और यहाँ पे पेज नंबर हम लोग करेंगे 0। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे बॉक्स के बाहर, ये 0 सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप पेज नंबर्स ऐड करते हैं या फिर आप पेज नंबर्स को एडिट कर सकते हैं किसी भी फाइल में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर कोर्सेज के लिए हमारे वेबसाइट mahagurus.com पे विजिट करें। थैंक यू।